हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की वर्कशीट नंबर फोर्टी जो कि नाइन्थ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की, की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एन एग्जांपल ऑफ ग्राम सभा तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं इट्स अ स्पेशल डे टूडे एवरी रशिंग टू गेट द ग्राम सभा

द ग्राम सभा मीटिंग panchayat विद द पंचायत also हु the sarpanch and सरपंच एंड द the ऑफ the पंचायत द पंच plan अ प्लान ऑन रिपेयरिंग that रोड दैट कनेक्ट्स to टू main हाईवे तो इस सभा के सामने एक प्लान रखा गया जिसमें ये था कि रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है रिपेयरिंग की जानी है ठीक है और साथ ही साथ जो भी एक्सपेंडिचर इस पर होगा वो सारा इस सभा के सामने रखा गया अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ ये होता है वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द सरपंच टू इन्फॉर्म दी ग्राम सभा अबाउट एनी वर्क ऑफ द पंचायत तो पंचायत जो भी काम करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम सभा को देना क्यों ज़रूरी होता है तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं तो बच्चे इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे बिकॉज द वर्क विल बी डन फॉर दीज पीपल एंड इट रिक्वायर्स देयर अप्रूवल अब क्योंकि ये काम इन्हीं लोगों के द्वारा इन्हीं दो लोगों के लिए किया जा रहा है और इन लोगों की अप्रूवल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है तो इसलिए इस काम को ग्राम सभा के सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है आगे देखो आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज अब क्योंकि इस एरिया में वाटर का शॉर्टेज भी था विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी अक्यूट हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड तो इसका मतलब ये है कि इस गांव में पानी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हैंड पंप में भी पानी बहुत नीचे जा चुका है तो हैंड पंप से भी पानी निकालना मुश्किल है फिर वहाँ पे आ, सभा से ही एक वेमेन ने ये सुझाया कि क्यों ना हम सुरु रिवर से पानी को लेकर अपने गाँव में आएँ और उसको एक टैंक में स्टोर कर लें पर इस सजेशन को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स इन एवरी वन ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड री इन इट इन इन महाराष्ट्र तो अनवर नाम का एक मेंबर ने यह बताया कि महाराष्ट्र में इन्होंने देखा है कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाता है एंड रीफिलिंग वाटर की यानी वाटर रिचार्ज किस तरीके से किया जाता है इट इज़ कॉल्ड वाटर शेड और इसको वाटर शेड के नाम से भी जाना जाता है एवरी वन थाट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्ट टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल अब सभी को ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ग्राम पंचायत को ये काम दिया गया कि वो इस आइडिया के बारे में यानी जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें जिससे कि इस चीज़ को इस विलेज में भी किया जा सके और इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके अब क्वेश्चन इन दी अबाउ फ्रेज हाउ वॉज दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर सॉल्व इन दी ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस फ्रेज के थ्रू इस प्रॉब्लम को ग्राम पंचायत की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया चलिए इसका आंसर लिखते हैं तो बच्चे इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे बाय डिस्कशन नेक्स्ट है द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द लाइन पॉवर्टीडी अप्रूव बाई ग्राम सभा तो बी पी एल लिस्ट बनाई जा रही थी और इस लिस्ट को अप्रूवल मिलता है ग्राम सभा के द्वारा द सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन बी पी एल लिस्ट तो इस सभा से एक पर्सन सरोज खड़े होते हैं और इन्होंने कहा कि इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम भी इंक्लूड किया जाना चाहिए अदर्स अग्रीड दैट ही एंड हिज़ फैमिली आर वेरी पुअर बाकी लोगों ने भी कहा क्योंकि ये गरीब हैं इनकी फैमिली गरीब है तो इनका नाम बी की लिस्ट में होना चाहिए द सरपंच आस्क द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बी फैमिलीज हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट अब सरपंच ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करी कि ये जो सर्वे है किसने किया है और ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट से बाहर कैसे हो गया ही सेज़ ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉकड वन आई वेंट देयर तो सर्वे करने वाले ने बताया कि जब वो ओम प्रकाश के घर पे गए थे तो उस वक्त उनका घर लॉक था द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज़ लेस देन वट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट तो सरपंच ने फाइनली ये डिसाइड किया ये फैसला दिया कि इनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और अगर इनकी इनकम जो गवर्नमेंट ने तय करी है डिसाइड करी है इनकम से कम होगी तो इनके नाम को इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है इन दी अबाउ फ्रेज हाउ डिड दी ग्राम सभा करेक्ट दी मिस्टेक इन दी गवर्नमेंट वर्क तो ग्राम सभा ने गवर्नमेंट के काम में जो मिस्टेक थी उसको किस तरीके से करेक्ट किया है चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे बाय वेरीफाइंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कशन तो इस क्वेश्चन इस जो यहाँ पे गलती हुई थी उसको करेक्ट किस तरीके से किया गया तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके और ग्राम सभा के डिस्कशन के, के बाद ही इस आ, इस गलती को सुधारा गया तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू